Hey guys, welcome to Pratik Tutorials. I am Aditya and this is Pratik, the host of the YouTube channel. And he's going to ask me some questions. इसके जो अभी बग बाउंटी का स्कोप ज्यादा चल रहा है एंड CTFs इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो CTFs खेलते हैं राइट तो आप इनको CTF के बारे में बताइए एंड क्या बेनिफिट्स है उसको हैकिंग एंड बग बाउंटी एज अ जॉब रिलेटेड ठीक है तो आप मुझे वो बताइए कि CTF एंड बग बाउंटीज जो एज अ बिगनर होता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है ठीक है तो मैंने बग बाउंटी 2 साल तक करी थी 2015 से 17 तक मुझे याद है 2015 तक मैंने किया था पर फिर बाद में मैंने बग बाउंटी छोड़ दिया लाइक मैंने पूरा अपना फोकस CTF में मैंने किया तो बग बाउंटी में लाइक मेरा मैंने क्यों छोड़ा लाइक मैं भी आपको लाइक दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग होते हैं तो मैंने ऐसा सोचा कि लाइक अगर मैं पूरे दिन फजिंग करता रहूं ऐसे बग फाइंड कर रहा हूं तो मेरा जो एन्यूमरेशन स्किल है वो तो एकदम परफेक्ट है मैं एन्यूमरेट कर पाऊंगा कि कितने आपके सर्वर्स है और वो सब है मैं बग भी फाइंड कर पाऊंगा मैं एक्सप्लॉइट भी कर पाऊंगा एक्सप्लॉइट भी दिखा सकूंगा बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम लाइक आप करोगे आपको बाउंटी मिलेगी एंड ऑल दो स्टफ बट साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी फील्ड्स है लाइक नॉट ओनली वेब आपको मोबाइल की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको बाइनरी की भी होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफी की भी होनी चाहिए तो आप अकेले बग बाउंटी करोगे तो आप बग बाउंटी करते रह जाओगे तो मैंने जब मेरे को लगा कि मेरा थ्रेशोल्ड आ गया है बग बाउंटी का तो मैंने स्टार्ट किया CTF सो CTF क्या होता है कि कैप्चर द फ्लैग कहते हैं उसको तो उसमें जैसे आप बग बाउंटी की तो रियल साइट होती है CTF में साइट जो CTF कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो लोग बिल्ड करते हैं और वो इंटेंशनली वल्नरेबल होती है मतलब हैक आप करो वैसा ही बोलते हैं विदाउट एनी इम्प्लीकेशन लीगल इम्प्लीकेशन और अगर आप उसको हैक करोगे मतलब इंटेंडेड टेक्निक्स है तो आपको एक फ्लैग मिलेगा और फ्लैग मतलब कोई स्ट्रिंग होती है लाइक यू सॉल्ड इट फ्लैग समथिंग और आप वैलिडेट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो मैंने आपके प्रीवियसली बताई तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आप उस पर सबसे पहले फोकस करो और उसमें अलग अलग पॉइंट्स की चैलेंज होती है लाइक 100 पॉइंट्स के तो वो इट्स लाइक एन ईजियर अगर 500 के तो इट्स लाइक सुपर हार्ड और CTF भी लाइक 3 टाइप्स के जनरली फर्स्ट है जेपर्डी CTF तो उसमें ऐसे सब कैटेगरीज वाइज होती है जो बहुत कॉमन है मोस्टली और एक साइट है जिसमें अगर आपको CTF में अगर जाना हो तो ctftime.org है उसमें आप जाओगे तो कैलेंडर है पूरा साल में कितनी CTF आती है सबकी तो वो आप उसमें कर सकते हो और सेकेंड थिंग जो CTF है वो है दूसरी टाइप की उसमें अटैक डिफेंस CTF सो अटैक डिफेंस में क्या होता है कि सभी टीम्स के पास एक एक सर्विसेस होती है तो टीम ए टीम बी की सर्विस हैक करेंगी और टीम बी टीम ए की सर्विस हैक करेगी और आपको पैच भी करना है उसके साथ साथ मतलब आपकी सर्विस हैक ना सो इट्स लाइक अ सुपर स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ CTF मतलब आपको कंस्टेंटली खेलना पड़ता है उसमें 7 आवर्स 24 आवर्स की होती है तो वो भी एक अच्छा थर्ड आई है नई किंग ऑफ द हिल करके जिसमें आपको परसिस्टेंट मेंटेन करना होता है वो सर्वर्स में सो वो बहुत कम है बट लाइक DefCon-CTF या वैसी सब ग्लोबल CTFs होती है तो उसमें होती है तो दिस इतनी जनरल कैटेगरीज होती है सो CTF से आपको बहुत सीखने को मिलेगा लाइक बेसिक नॉलेज CTF अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिक कुछ टूल्स एंड लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उसको इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए CTF स्टार्ट करने के लिए तो सबसे उसका सबसे जनरल आंसर वैसा है कि सबसे क्लोज आंसर कि आपकी फील्ड कौन सी है कि मतलब आप कौन सी फील्ड को टारगेट कर रहे हो अगर आप क्रिप्टोग्राफी को टारगेट कर रहे हो तो आपकी वेब की जो स्किल्स है वो उसमें लाइक इट विल बी यूजफुल बट नॉट एट नॉट टू दैट मच एक्सटेंट उसके लिए आपको मैथ्स अच्छा आना चाहिए लाइक आपको एल्गोरिथम्स पे ग्रिप होना चाहिए प्रोग्रामिंग आप पाइथन में कर सकते हो तो अच्छा है C++ इज ऑल्सो बोनस मतलब उसमें आप करो और कोई भी लैंग्वेज का हो प्रोग्रामिंग वो आप जल्दी से ग्रास्प कर सकते हो CTF अभी आई थी उसमें गो लैंग्वेज की चैलेंज थी वो गूगल की लैंग्वेज है लाइक बहुत कम लोग करते हैं बट लाइक आप CTF के ड्यूरेशन में आप सीख सकते हो वो पूरा लैंग्वेज मतलब वो भी एक बोनस है मतलब बहुत इजी है मतलब जल्दी से जल्दी से आपके कैचिंग स्ट्रेंथ कितने उस पर है वो सब तो लाइक CTF मतलब आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकालेगा कि जो आप हर रोज वो बर्ब सूट से आप रिक्वेस्ट कैप्चर करते हो टूल्स आप यूज करते हो सभी सब लिस्टर और वो सब लाइक स्क्रिप्ट की टाइप का एन्यूमरेशन है उससे आप इसमें आप खुद कोड लिखोगे सो पाइथन स्किल इज लाइक अ बोनस लाइक पाइथन तो इट्स लाइक मैंडेटरी CTF के लिए एक्सप्लॉइट लिखने के लिए भी है बैच स्क्रिप्टिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए लाइक बैच स्क्रिप्टिंग नोन एज अ शेल स्क्रिप्टिंग आप उसके लिए बैच स्क्रिप्टिंग भी सीख सकते हो लाइक आपको लिनक्स का अच्छा होल्ड होना चाहिए अगर आप लिनक्स के साइड जा रहे हो विंडोज का भी होल्ड हो तो इट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट सो वैसे सब चीजें अच्छी है और रिगार्डिंग द टूल्स तो जो आप रियल वर्ल्ड में यूज करोगे वही टूल्स CTF में भी आप कर सकते हो लाइक बर्ब सूट आप प्रॉक्सी के लिए कर सकते हो यू कैन यूज वाई शार्ट टू एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक्स सो आप सेम टूल्स है वही आप यूज करोगे एंड दैट्स गुड
कुछ बिगनर के लिए कुछ CTFs या वेबसाइट्स ठीक है, वो लिंक्स में आप शेयर कर देंगे बिगनर इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल के लिए कौन कौन से CTFs है ठीक है। उसके लिए सबसे अच्छा बिगिनर के लिए आपको खेलना होता है एक CTF है पीको CTF करके, वो CMU हर साल रन करता है, इट्स बेसिकली टारगेटेड टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स और न्यूबीज जो अच्छे नए लोग जा रहे हैं उसके लिए। चैलेंजेस आर इजी और ग्रेजुअली वो डिफिकल्टी में प्रोग्रेस होती है, तो दैट्स अ गुड थिंग टू ट्राई ऑन। और वो सभी चैलेंजेस ऑनलाइन है, आप राइटअप्स पढ़ सकते हो चैलेंजेस के, अगर आप ऑनलाइन चैलेंजेस ना मिले तो, सो यू कैन इजीली लर्न। एंड आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बग बाउंटीज एंड CTFs के लिए रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि मुझे यूट्यूब एंड इंस्टा पर बहुत ही मैसेजेस आते हैं कि हैकिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट की कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस जिसपे हम फोकस करें। सो जावास्क्रिप्ट इज अ गुड आइडिया, अगर आप जावास्क्रिप्ट करोगे तो आपका जो क्लाइंट साइड एक्सप्लोइटेशन का जो फील्ड है वो आपका इट विल बी लाइक स्ट्रॉन्गर। सेकेंड थिंग अगर आपको करनी है तो आप पाइथन से ऑटोमेशन कर सकते हो, मतलब पाइथन इज लाइक क्विक, कि अगर मेरे को सूडो कोड टाइप में मेरे को प्रोग्राम लिखना है कोई भी POC का तो मैं पाइथन में लिख सकते हो, और बहुत सारी लाइब्रेरीज है लाइक इट्स यूजफुल लाइब्रेरी, वो आप कर सकते हो। PHP इज ऑल्सो गुड, लाइक PHP आपको पता हो तो PHP में भी बग्स होते हैं, लाइक रियल वर्ल्ड CTF थे उसमें PHP इंटरनल्स के बग थे, मतलब लाइक हाउ आप सेक फॉल्ट करके आप LFIRC कर सकते हो वैसा, तो वैसा PHP की नॉलेज हो देन इट्स ऑल्सो प्लस। C++ इज लाइक एवरग्रीन, वो तो आना ही चाहिए कॉलेज के सिलेबस में, करवाते ही है, सो इट्स गुड आपका होल्ड है। और जावा अगर आपको एंड्रॉइड के मोबाइल के साइड आपको जाना हो तो जावा से आप एंड्रॉइड तक पहुंच सकते हो, सो लाइक इतने 5-6 लैंग्वेजेस आर लाइक मस्ट टू हैव। सो हो गए C++, जावा, पाइथन, सेल स्क्रिप्टिंग एंड पूरा PHP बंडल, PHP बंडल मतलब कि HTML, CSS, JavaScript एंड PHP, राइट आदित्य? आदित्य आप मुझे ये बताइए कि नेटवर्किंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हैकिंग में? आई थिंक नेटवर्किंग इज अ फर्स्ट पार्ट की जो हैकिंग में आपको सीखना चाहिए, एंड लिनक्स की कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, एज अ बिगिनर मैं ये प्रेफर करता हूँ, आपका क्या कहना है? इट्स अ गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट है कि आपको लिनक्स के साथ साथ आपको नेटवर्किंग कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब ट्रैफिक, मतलब आप कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आप कुछ भी अपना फेसबुक अकाउंट थोड़ी खोलोगे, यू नीड टू चेक लाइक कि उस कंप्यूटर पे कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, कौन सा पोर्ट्स ओपन है, मतलब लाइक कोई ऐसा पोर्ट ओपन है कि जिससे कोई रिवर्स शेल कम्युनिकेशन कर रहा हो, तो वो सभी आपको देखना, मतलब लाइक बेसिक टू लाइक नेट स्टेट है, राउट है, आर्प है और वैसा सब है, वो सभी पे आपका होल्ड होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, और एक साइट है ओवर द वायर करके, उसमें नेटवर्किंग चैलेंजेस है, तो आप वो कैटेगरी ट्रैक फिनिश करोगे तो आपको लाइक यू विल हैव अ गुड होल्ड। सो नेटवर्किंग का अच्छा बेनिफिट ये है कि यू विल अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल्स, लाइक कौन से प्रोटोकॉल पे कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा ट्रैफिक जा रहा है, मतलब आप पिंक कमेंट दबा रहे हो तो इट जनरेट्स एन ICMP रिक्वेस्ट, राइट? सो ICMP प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपको उसमें ब्रेक डाउन करना हो तो आप वायर शार्क ओपन करो, स्टार्ट कैप्चर रिक्वेस्ट करो और पिंग कमेंट लिखो, तो आपको वहां पे लॉग्स आएंगे, मतलब कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक है, और आप उसको डिसअसेंबल कर सकते हो वहां पे वायर शार्क में। और नेटवर्किंग में लाइक अगर आप पेन टेस्टिंग के साइड हो, सो नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको कैसे रेड टीमिंग कर रहे हो तो आपको इनफिल्ट्रेट कैसे करना है, डेटा एक्सफिल्ट्रेट भी कैसे करना है आपको, मतलब लाइक अगर बहुत सारे कमेंट्स वर्क नहीं कर रहे सिस्टम पे या फिर बहुत रेस्ट्रिक्टिव है सिस्टम, फायरवॉल है, तो आप कैसे उसको बाईपास करोगे, सो वो सभी चीजें आपको नेटवर्किंग से लाइक इट विल गिव यू अ गुड होल्ड। एंड बिगिनर्स के मुझे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि लैपटॉप, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके पास 60,000 या 70,000 का लैपटॉप है तो ही आप अच्छे से हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं मानता, हैकर के लिए होनी चाहिए जरूरी है उसकी स्किल्स, फिर वो बोले 10,000 का हो या 20,000 को इंपॉर्टेंट नहीं करता। एक बड़े लेवल पे चीज आती है, मैंने भाई को प्रोग्रेस करते हुए देखा, और ये जो आप देख रहे हो ना मैकबुक एंड ये डेल का जो, ठीक है, ये 70,000 का है एंड ये आदित्य कितने का है? 80,000, ठीक है, इन्होंने खुद की अर्निंग का लिया है, और ये भी आई थिंक इन्होंने लिया है USA जाके, एंड आई थिंक ये भी यूज कर रहे थे तब, तो आई थिंक बहुत ही पुराने लैपटॉप थे, राइट? बहुत ही पुराने लैपटॉप थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे लैपटॉप हो तो ही वो इनिशियल स्टेज पे आपको जरूरत पड़ती है, कि आपको अभी प्रोग्रामिंग करना है, ऑटोमेशन के खुद के टूल्स एक्सप्लोइट लिखने, तब उसकी जरूरत पड़ती है, राइट? राइट, ओके। और आप SSH VPS से भी कर सकते हो, एक SSH आपके पास कोई भी एक्सेल नाम का एक आता है सॉफ्टवेयर, वो आप डाउनलोड करो या फिर पुटी डाउनलोड करो, $5 का आपको डिजिटल ओशन में एक सर्वर मिलेगा, पूरे मंथ में $5 में आपको PC से भी अच्छा सर्वर आपको वहां पे मिलेगा, राइट? अच्छी रैम, अच्छी SSD स्पेस वाला, और लिनक्स सर्वर पूरा फुल स्क्रैच है, इंस्टॉल भी नहीं करना है, और SSH आप विंडोज से सीधा IP डालो, पोर्ट नंबर डालो और सीधा पासवर्ड से लॉगिन कर लो, और सीधा लिनक्स बॉक्स में आ जाओ।
सो दैट्स अ गुड ऑप्शन, मतलब आपको एन्यूमरेट करना पड़ेगा. ठीक है.